एक लहसुन जो है लगाते ही से ही गल जाता है, वो कैसे ना गले, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जब सीड लगाएं तो वो हमारा पूरा का पूरा जो है जर्मिनेशन उसका हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। अगस्त का महीना अभी चल रहा है और इस समय पर यदि आपके पास ज़मीन खाली है, आपने अभी तक कुछ नहीं लगाया है और आपको ऐसा लगता है कि कम समय पर अच्छा उत्पादन ही आपको मिल जाए और भाव मिलने की भी गारंटी हो, तो मैं आज इस वीडियो पर आपको 3 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको 55 से 60 दिनों में हार्वेस्टिंग उसकी आपकी अच्छी आ जाती है और भाव मिलने की भी गारंटी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी अंक दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि हमें इन 3 फसलों को लगाना है तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है, इसमें खाद कौन सी डालनी होती है, लगाने का तरीका क्या होता है, बेड से बेड की दूरी क्या होती है, पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये जो तीनों फसलें मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों फसलों पर एक कॉमन चीज़ है कि इनसे बेड की जो दूरी है वह आपकी 3 फीट रहेगी। 3 फीट की दूरी आपको रखनी है। बेड के ऊपर की जो चौड़ाई रहेगी वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, लगभग आधा से 1.25 फीट तक। और इसकी जो हाइट रखेंगे हम कम से कम 15 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी आधा फीट कम से कम आपको इसकी बेड की ऊंचाई आपको रखनी है, वो भी बैठने के बाद। क्या होता है कि हम 1 फीट की बेड बनाते हैं मगर जब पानी गिरता है, उसमें पानी हम सिंचाई करते हैं, तो बेड जो है वो नीचे बैठ जाती है, दब जाती है। तो आपकी बैठी हुई बेड की जो ऊंचाई है कम से कम आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है, आधा फीट कम से कम आपको रखनी है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब बात ये आती है कि जब बेड हम तैयार करते हैं तो हमें कौन कौन सी रासायनिक खाद या फिर जैविक खाद डालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक खाद की। तो जैविक खाद आपको कम से कम 2 से 3 टाली आपको डालनी चाहिए। ये ऐसी फसलें हैं जिस पर जैविक खाद की जो है आवश्यकता ज़्यादा आपको पड़ती है। बरसात में कोई भी फसल लगा रहे हों तो आपको जैविक खाद की मात्रा रखनी चाहिए, ठीक है। अब रासायनिक खाद की हम बात करें तो रासायनिक खादों में DAP की मात्रा कम से कम 50 kg और पोटास की मात्रा कम से कम 30 से 40 किलो आपको प्रति एकड़ हिसाब से आपको रखनी चाहिए। इसके साथ में आपको सल्फर लेना पड़ेगा 5 kg और जिंक सल्फेट आपको लेना पड़ेगा 5 kg और इसके साथ आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 1 बोरी कम से कम आपको लगनी चाहिए, ठीक है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बेड के ऊपर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। बेड के ऊपर कैसे डालेंगे, एक बार आप कच्ची बेड बना लें, आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ट्रैक्टर आपको 2 बार चलानी पड़ेगी लेकिन बहुत ही अच्छा होगा। एक बार आप कच्ची बेड बनाएं, कच्ची बेड बनाने के बाद आप उसको बेसल खाद को जो है डाल दें और बेसल खाद को डालने के बाद आप जो है फिर इसमें एक बार फिर से रेजर चला दें और रेजर जब चलाएं आप दूसरी बार में तो एक पीछे से पैंटा जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा वजन वेटेड जैसे सब्बल है हमारी या फिर कोई लकड़ी का ऐसा रख दें आप जिससे कि जो बेड है आपके ऊपर से समतल हो जाए, उसकी जो कोर है वो ना रहे, कोर उसकी मिट जाए। तो इस तरीके से हम बेड को तैयार कर लेते हैं। बेड से बेड की दूरी हमने बता दी है कि लगभग 3 से 3.5 फीट आपको रखनी होगी। तो ये जब हम सब कर लेते हैं तो हमारी ज़मीन है वह बरसाती फसल के लिए तैयार हो जाती है। जब भी आप बरसात के समय पर फसल करें तो सबसे पहले आपको जल निकासी की व्यवस्था बना के चलनी पड़ेगी। यदि आप जल निकासी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर आप कोई भी फसल लगा लें, कितनी ही मेहनत कर लें, आप जो है उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम जो आपको फसलें बताने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं। और ये सही समय है 15 अगस्त से लेकर, आपको जो आपको फसल बताने वाला हूँ 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको लगाना होगा। ये बहुत ही बढ़िया समय है, इस समय की लगी हुई जो फसल है वह जो है आपको भाव अच्छे देगी। सबसे पहली फसल है दोस्तों फूलगोभी। फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप अगेती लगाते हैं इस समय पर और इसकी जो हार्वेस्टिंग है लगभग दुर्गा उत्सव के समय पर हो पाती है। दुर्गा उत्सव से लेकर दीपावली के बीच का जो समय होता है गोभी की फसल की, चाहे पत्ता गोभी हो और चाहे फिर फूल गोभी हो, यदि आप इस समय पर इसे हार्वेस्टिंग कर पाते हैं तो आपको बाजार के जो भाव है वो लगभग 40 रुपये kg आपको मिलना तय है। इस बात को आप नोट करके चल लें। तो आप इस समय पर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती में अभी के समय पर 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त लास्ट, इस समय के लिए 15-22 वेराइटी बहुत ही बढ़िया वेराइटी है, सिंजेंटा कंपनी की आती है, हाइब्रिड बीज है इसका, छोटा फूल आता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं आता इसका और सफ़ेदी अच्छी आती है। तो फूल गोभी के लिए ये जो समय है बहुत ही बढ़िया समय है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि फूल गोभी की खेती यदि आप कर रहे हैं, 15-22 वेराइटी को आप लगा रहे हैं, तो अगस्त के बाद इसको ना लगाएं, अगस्त के बाद आपको दूसरी वेराइटियाँ लगानी पड़ेगी। आपके पास नर्सरी तैयार होनी चाहिए, यदि आपको नर्सरी मिल जाती है तो 15-22 की खेती आप 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको दूसरी वेराइटी का चयन करना पड़ेगा। दूसरी वेराइटी अगर हम बात करें 15 अगस्त के बाद जो हम नर्सरी डालते हैं उसमें हम देखें तो वाइट क्रिस्टल, ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, सकाटा कंपनी की आती है, इसे आप लगा सकते हैं।
तो ये जो सेगमेंट रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। 15/22 जो है जब गर्मी ज़्यादा होती है इस समय के लिए बहुत ही बढ़िया है, अगस्त के महीने के लिए, जुलाई के महीने के लिए। अगस्त के बाद इसे आप नहीं लगा सकते हैं, ये वैरायटी उस समय के लिए नहीं है। तो आप जब भी फूलगोभी की खेती करना चाहते हो तो आपको बेड कम से कम बनानी चाहिए। बेड आप बनाते हैं तो आप निश्चित मानिए उसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो उसमें रोग आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। जल भराव सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गलन, इल्लियाँ वगैरह जो होती हैं वो जब नमी ज़्यादा होती है तभी ज़्यादा होती हैं। तो आप फूलगोभी की खेती इस समय पर कर सकते हैं, वैरायटी हमने आपको बता दी है, बेड से बेड की दूरी बता दी आपको। अब रही बात पौधों की संख्या की, तो पौधों की संख्या जो है अगर 3 फीट की दूरी आप रखते हैं, 3 से 3.5 फीट की, और 2 लाइन अगर आप चलाते हैं तो आपको लगभग 20 से 22 हज़ार पौधे आपको लगेंगे। अगर बेड की चौड़ाई ज़्यादा है, आप 3 लाइन चलाते हैं तो लगभग आपको 24 से 25 हज़ार पौधे आपको लगेंगे। ये हमने आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको बता दिया है। तो ये रही हमारी पहली फसल। अब हम दूसरी फसल के बारे में जानते हैं। तो दूसरी फसल दोस्तों बहुत ही अभी के समय पर डिमांडेबल है, उसके रेट अभी कुछ पिछले कुछ सालों से देखें बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी फसल दोस्तों लहसुन। लहसुन की खेती भी आप इसी बेड विधि से कर सकते हैं, यानी कि बेड की जो चौड़ाई रहेगी, बेड से बेड की दूरी की, वह 3 फीट रहेगी और हाइट भी लगभग सेम रहेगी। ऊपर की चौड़ाई आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर की चौड़ाई है वो लगभग कम से कम आपको 1 फीट रखनी है, ठीक है। कम से कम आपको 1 फीट रखनी है, 1 फीट से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। इस हिसाब से आप बेड बनाएं, क्योंकि लहसुन जो है थोड़ा सा पास पास में लगाया जाता है, लगभग 6 इंच की दूरी पर, प्लांट से प्लांट की दूरी यानी कि बीज से बीज की जो दूरी है वो 6 इंच रहेगी आपकी, और जितनी ज़्यादा संख्या रहेंगी आपकी उतना ही आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय पर सभी प्रकार की लहसुन नहीं लगाई जाती, सभी वैरायटियाँ नहीं लगाई जाती हैं। इस समय के लिए विशेष जो बीज है वह लगाया जाता है, मैं आपको वीडियो के अंत में इसको बताऊंगा। और एक विधि वो भी बताऊंगा आपको कि जो अधिकतर एक समस्या आती है कि लहसुन जो है लगाते ही से गल जाता है, वो कैसे ना गले, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जब सीड लगाएं तो वो हमारा पूरा का पूरा जो है जर्मिनेशन उसका हो, तभी हमें फ़ायदा मिल जाता है, यह हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए अब हम आगे जानकारी को लेते हैं। तो जो खाद हमने आपको बताई थी पहले, वही आपको डालनी है। इसके बाद अगर हम सीड की मात्रा की बात करते हैं लहसुन की, तो सीड की मात्रा जो है प्रति एकड़ आपको कम से कम 3 से 4 क्विंटल आपको सीड लगेगा। सीड आपकी कितनी मोटाई है उसके हिसाब से आपको देखना है, आप बेड से बेड की जो दूरी वो कितनी रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको बीज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अंदाज़ा आपको बताता हूँ मैं कि 3 से 4 क्विंटल आपको बीज लगेगा। तो आप लहसुन की खेती भी अभी के समय पर कर सकते हैं, भाव मिलने की गारंटी, क्योंकि अब ये लहसुन जो लग रही है यह अगेती लहसुन हमारी कहलाती है, और अगेती लहसुन के भाव आपको मिलते ही मिलते हैं। थोड़ी ही सावधानियां हैं, आपको रोगों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, खासकर गलन संबंधी, फंगस संबंधी, थ्रिप्स वगैरह भी आती हैं लेकिन कंट्रोल हो जाती हैं। ज़्यादा चिंता करने का सकता नहीं है। आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के दे दूंगा कि लहसुन में कीट नियंत्रण या फिर फंगस नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आप कमेंट माध्यम से लिख सकते हैं। तो आप लहसुन की खेती इस समय पर कर सकते हैं, आपको 50 से लेकर 65 दिनों के बीच में आपको उत्पादन मिल जाता है, अगेती उत्पादन मिलता है, लगभग दीपावली के समय पर आपको उत्पादन मिल जाता है, तो आपको उसके अच्छे रेट मिलने वाले हैं। इसके बाद हम जानते हैं तीसरी फसल को, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी लागत थोड़ी सी कम है लहसुन की अपेक्षा, क्योंकि लहसुन का सीड ही महंगा आता है, ठीक है। तो उस फसल को जाने से पहले अगर जानकारी हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वो फसल है दोस्तों प्याज, प्याज की खेती। अभी के समय पर प्याज की काफ़ी डिमांड है, और जो अगेती प्याज हमारी लगती है उसके रेट तो अलग ही मिलते हैं, यानी कि अच्छे रेट आपको मिलते हैं। इस समय पर जो प्याज लगाई जाती है वो 2 विधि से लगाई जाती है। पहली विधि होती है नर्सरी। नर्सरी आप डालते हैं, काफ़ी किसानों ने नर्सरी डाल चुकी होगी, तो वो जो है इस समय पर अपने खेत पर ट्रांसप्लांट उसे करेंगे, तो एक विधि वो होती है। दूसरी विधि होती है जो किसान भाई नर्सरी तैयार नहीं कर पाए हैं और उन्हें प्याज लगाना है, तो दूसरी विधि दोस्तों छोटी वाली जो प्याज होती है, गोटी जिसे प्याज हम बोलते हैं, वो प्याज आप मार्केट से लें अच्छी क्वालिटी का, उसे आप लगा दें, तो फिर आप देखेंगे आपकी जो हार्वेस्टिंग है उसी समय पर आएगी जिस समय पर ये नर्सरी वालों की, जो नर्सरी लगा रहे किसान उनकी आती है। तो आप जो है इस समय पर प्याज की खेती भी कर सकते हैं। प्याज की खेती जब आप करते हैं तो आपके पास नर्सरी तैयार होनी चाहिए। नर्सरी आपके पास तैयार नहीं है तो आप जो है छोटी वाली गोटी जो होती है मार्केट से खरीदें अच्छी क्वालिटी का और आप लगा दें। बीज की मात्रा की जहाँ तक हम बात करें तो फिर जो बीज की मात्रा है आपको लगभग 8 से 10 क्विंटल लगेगा। 8 से 10 क्विंटल आपको बीज लगेगा, छोटा वाला, साइज जैसा होता है उसके हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है। प्लांट से प्लांट की जो दूरी है आपको 6 इंच रखनी है, 6 इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं आप, 6 इंच रखेंगे तो अच्छा होगा। और बेड पर जो है कम से कम आपको 5 लाइन लगानी होगी, अगर 1 फीट की चौड़ाई आपकी रखी है आपने तो 5 लाइन आपकी लगभग लग जाती है।
उसको जिग जैग में आपको लगाना है, एक से बिल्कुल नहीं लगाना कि इस लाइन से लगा दिए, नहीं आपको जिग जैग से उसे लगाना होगा। दो प्याज मान लीजिए, एक यहाँ लगाई एक यहाँ लगाई, बीच में आपको एक लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको प्याज को लगाना पड़ेगा। प्याज को भी आप जब लगाते हैं इस समय पर, तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है लगभग 55 से 60 दिन में हो जाती है। और जब मार्केट पर अगेती प्याज आती है तो उसके भाव आपको अच्छे मिलते हैं। हमने आपको इस वीडियो पर लगाने का तरीका भी बता दिया है, बीज की मात्रा भी बता दी है, ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। अब बात ये आती है कि जब हम प्याज को लगा देते हैं तो उस समय पर खरपतवार की समस्या आती है। तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए पेंटामेथिलीन की मात्रा जो है, आप जो है जब भी आप प्याज लगा दें उसके बाद सिंचाई करें पहली, और सिंचाई करने के बाद जो है पेंटामेथिलीन का आप स्प्रे कर दें। तो आप देखेंगे शुरुआती 15 से 20 दिनों तक कोई भी खरपतवार आपकी ज़मीन पर नहीं उगेगा शुरुआती अवस्था पर। इसके बाद फिर अगर उगता है तो फिर आपको उसको हाथ से निंदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी। स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आपको मार्केट पर मिल जाता है यह पेंटामेथिलीन, इसकी जो मात्रा आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो की विशेष बात, जो कि हमने आपको बोला था कि लहसुन का जो बीज है वो कैसे लगाएं ताकि हमारा जो बीज है वो ख़राब ना हो, गले ना। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको लहसुन मान लीजिए 15 दिन बाद लगाना है, पहले ही आप सीड को खरीदें और घर पर अच्छे से उसे सुखाएं, उसको छील लें, पहले निकाल लें, उसकी कलियां अलग कर लें और अच्छे से सुखाएं लहसुन को। जितना अच्छा सूखेगा लहसुन उतना ही अच्छा आपको जर्मिनेशन मिलेगा। और इसके बाद फिर आपको बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार करने के लिए आपको साफ पाउडर आप ले सकते हैं, उसमें एक परत चढ़नी चाहिए, तो फिर आप देखेंगे आपका जो बीज है वो फंगस से कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ साथ थायमाथाक्सिन की जो मात्रा है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा झेलोरा आता है, झेलोरा नाम से फंगीसाइड आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो आप देखते हैं आपका जो जर्मिनेशन है वो अच्छा आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बीज जो अच्छे से सूखना चाहिए, तब आपका जो सीड है बस सुरक्षित रहता है। क्योंकि अगर बीज पर नमी रहेगी और नमी में हम लगाएंगे तो थोड़ा से वो गलन चालू हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं लहसुन को, तो आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको 3 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि कम समय पर अच्छा उत्पादन भी देती हैं और अच्छे भाव भी उसे मिलते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।